दोस्तों, मुजफ्फरपुर शहर जिस पे मैंने अभी अभी आपको एक दूसरी कविता सुनाई, जिसकी थोड़ी व्याख्या भी मैंने की आलोचनात्मक, उसकी एक और बहुत बड़ी विशेषता ये कि बहुत चर्चित कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ रहते थे, यहाँ पढ़ाते थे लंगट सिंह कॉलेज में, और उनका विषय इतिहास था और वो पढ़ाते हिंदी थे। तो मूलतः दिनकर सिमरिया घाट के थे और मैं सिमरिया घाट पर एक कविता सुनाती हूँ। सिमरिया घाट, दिनकर जी के साथ भी, उनके परिवार वालों के साथ भी हमारी बहुत निकटता थी और उनकी पोती उत्तरा दीदी मेरी मित्र हैं। सिमरिया घाट। माढ़ा और रोड भरा दौरा धके एक ओर, माढ़ा और रोड भरा दौरा धके एक ओर, एक ओर भार पैं दही से भरा हंडा, दौड़ दौड़ मालिकों के लिए आते लिए हुए पश्चिम की ओर से बेगार और भंडिया, देवियां पधारती सवार हों सवारियों पे, देख लो मियाना और देखो खरखरिया, कार्तिक महीने में निवास मैं करूंगा, कार्तिक महीने में निवास मैं करूंगा वही दिनकर की जन्मभूमि आठ जोशी, माढ़ा और रोड भरा दौरा धके एक ओर, दौरा कहते हैं इतनी बड़ी जो टोकरी होती है ना, बड़ी सी टोकरी, उसको दौरा कहते हैं, एक ओर भार पे दही से भरा हड़िया, दौड़ दौड़ मालिकों के लिए आते लिए हुए पश्चिम की ओर से बेगार और भरिया, देवियां पधारती सवार हो सवारियों पे, देख लो मियाना और देखो खखरिया, कार्तिक महीने में निवास मैं करूंगा वही दिनकर की जन्मभूमि घाट जो सिमरिया, दिनकर की जन्मभूमि घाट जो सिमरिया। तो दोस्तों, ये थी कविता सिमरिया घाट, जिसमें आ गए रामधारी सिंह दिनकर, विश्व प्रसिद्ध कवि, और आशा है कि आपको यह कविता पसंद आएगी और मेरा पाठ भी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।